ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गणेश विसर्जन के दौरान भूलकर भी आप लोगों को क्या-क्या गलतियां नहीं करनी हैं और आज का शुभ मुहूर्त क्या है गणेश विसर्जन का। अनंत चतुर्दशी के दिन आज गणेश जी का विसर्जन किया जाएगा। इस बार अनंत चतुर्दशी 12 सितंबर गुरुवार के दिन है, जो कि आज है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन को बेहद शुभ माना जाता है। यूं तो आप गणेश जी का विसर्जन किसी भी समय काल में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आज दोपहर को 1:30 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक का जो समय है वह गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा आप किसी भी समय विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन के दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर गणेश भगवान की आरती करें और उन्हें 5 चीज़ें दीप, फूल, धूप, सुगंध और निवेद आदि चढ़ाएं। आरती करने के बाद भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं और घर में सभी परिवार सहित इसको प्रसाद के रूप में आप लोग आपस में बांट लें। आप लोग एक काम और कर सकते हैं। ऐसा घर से निकलने के 5 से 10 मिनट पहले किया जाता है कि आरती और प्रसाद के बाद परिवार का एक सदस्य एक कदम धीरे धीरे गणपति की मूर्ति को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो आइए जानते हैं गणपति विसर्जन के नियम। गणपति विसर्जन से पहले विधिवत पूजा पाठ करके बप्पा को मोदक का भोग लगाएं। इसके बाद गणेश भगवान को नए वस्त्र पहनाएं। अब एक रेशमी कपड़े में मोदक, थोड़े पैसे, दुबड़ा घास और सुपारी रखकर उसमें गांठ लगा दें। इस पोटली में बप्पा को साथ ही बांध दें। आरती के समय घर में सब लोग मिलकर गणेश भगवान की आरती गाते हुए गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाएं। इसके बाद आप अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने मन में बप्पा से क्षमा प्रार्थना मांगे। गणेश चतुर्थी का उत्सव पूरे 10 दिन तक मनाया जाता है। इस दिन गणपति के भक्त उनसे खुशहाली की कामना करते हैं और गणपति भगवान का विसर्जन करते हैं। साथ ही आज के दिन भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करें और किसी भी प्रकार का आप अपशब्द अपने से बड़े या किसी भी व्यक्ति को ना बोलें। साथ ही आप यह भी ध्यान रखें कि गणपति बप्पा को विसर्जन करते समय जब आप जाएंगे उस समय मूर्ति बिल्कुल भी खंडित ना हो, यानी कि मूर्ति में किसी भी प्रकार का आप कोशिश करें कि मूर्ति को आसानी से ले जाएं और उसमें कोई टूट फूट ना हो, वरना वह खंडित हो सकती है। गणपति बप्पा के विसर्जन का एक अलग ही महत्व है। कुछ लोग 1.5 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 11वें दिन पे बप्पा का विसर्जन करते हैं, लेकिन जो लोग आज के दिन विसर्जन कर रहे हैं वह उनके लिए बहुत ही शुभ एक तरीके से यह विसर्जन रहेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।